परिषद को अगले 3 महीने के भीतर संबंधित सड़क पर नई परत चढ़ाने के कार्य को पूरा करने का हुक्म दिया। उपराज्यपाल ने जंगलीघाट की सब्जी व मछली मंडी का दौरा किया। उन्होंने सब्जी व मछली विक्रेताओं से बातचीत की और उन्हें बताया कि मछली मंडी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। क्षेत्र के एक उल्लासित मछुआरा दिली राव ने कहा कि मेरे जीवन में यह पहली बार हुआ है। मैंने उपराज्यपाल को हमारे पास आते और हमारी शिकायतों को समस्याओं को सुनते तथा हमारे साथ चाय पीते देखा। इस मौके पर नगरपालिका परिषद अधिकारियों ने उपराज्यपाल को जंगलीघाट बाजार की विकास योजना के प्रस्ताव, सड़कों, फुटपाथों के विकास तथा क्षेत्र में अन्य आधारभूत परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया। उसके बाद उपराज्यपाल ने बुनियादाबाद का दौरा किया। उन्होंने बुनियादाबाद में जलापूर्ति कमांड टंकी को भी देखा। उन्होंने हाइड्रोजेटी के मुख्य गेट वाले क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने अंडमान लोक निर्माण विभाग तथा दक्षिण अंडमान के उपायुक्त को जहाज यात्रियों के लिए शौचालय सुविधाओं सहित बैठने की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया, जो जहाज में चढ़ने से पहले घंटों तक गेट के बाहर इंतजार करते थे। उपराज्यपाल ने आयुष व सचिव को हाइड्रो के चारों ओर के समुद्री इलाके के विकास के लिए योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया।